तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने एसडी कार्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक करना, फिक्स करना, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दिए ताकि हम लोग कभी भी इसी तरह की वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आप लोग के पास आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपना एसडी कार्ड को यहाँ अपने फ़ोन में इंसर्ट कर दिए हैं, डाल दिए हैं, तो और फिर भी आप लोगों का यहाँ पर एसडी कार्ड का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों को फाइल मैनेजर में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नहीं हो रहा है शो मेरा एसडी कार्ड का, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को करना है, तो आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आप लोग के फ़ोन में यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन होगा तो यहाँ पे आप लोगों को रैम एंड स्टोरेज स्पेस सर्च मार लेना है। अगर नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट पे चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रैम एंड स्टोरेज स्पेस यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप लोगों को किसी पे भी क्लिक नहीं करना है। आप लोगों को सिंपली यहाँ पे माउंट एसडी कार्ड का ऑप्शन आप लोग के भी फ़ोन में यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप लोग बस इस पर ऐसे करके क्लिक कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर वेट कर लेना है। करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस इसका आ गया है एसडी कार्ड का। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फाइल मैनेजर में भी जाके दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एसडी कार्ड स्टोरेज का भी यहाँ पे शो हो रहा है ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और हाँ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दिएगा ताकि हम लोग कभी भी इसी तरह की वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आप लोग के पास जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होगी तो आप लोग मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जो कि मैंने अपलोड कर दी है, जिसको देखने से आप लोग का 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।